चैनल में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बोहरा कम्युनिटी की बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल स्पेशल डेजर्ट है। ये खाने में भी बहुत ही यमी है, डिलीशियस है, जिसका नाम है कलमरा। नाम जरा सा और लग रहा है ना, लेकिन बनाएंगे तो जरूर याद रह जाएगा। तो बना के देखिए और खाइए। और ये जो डिश है वो चावल और दही से बनती है। कहने को तो लगता है खट्टी डिश है, लेकिन ये बहुत ही मीठी बनती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनता है ये कलमरा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कलमरा बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो दही लिया है, पाव किलो शक्कर, पाव किलो चावल लिए है कॉलम, एक कप दूध और 100 ग्राम खोया, 2 टीस्पून इलायची पाउडर, ये कुछ गुलाब की पंखुड़ियां ली है गार्निश के लिए, किशमिश ली है 50 ग्राम, एक अनार लिया है और ये खोपरा पाउडर लिया है मैंने 100 ग्राम, और 10 से 12 मैंने बादाम ली है जिसे मैंने बारीक काट ली है। ये देखिए, ये मैंने चावल को भिगो दिया था 1 घंटे के लिए और उसका पानी मैंने निकाल लिया है। अब ये चावल मैं इसमें डाल रही हूँ। और हमें इस चावल को पकाने के लिए इसमें पानी ऐड करना है। हमें इतना पानी लेना है कि ये चावल थोड़ा नरम पके। ये देखिए, अब मैं चावल को पकाने के लिए रख देती हूँ। जैसे ये पक जाएगा मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। ये देखिए, ये जो हमारे चावल है अच्छे से पक गए हैं। इस तरह से स्क्वीज करके देखना है। अब मैं इंडक्शन को ऑफ कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर ये शक्कर को ऐड करूंगी, ये दूध 1 कप जो हमने लिया था, ये 2 टीस्पून इलायची पाउडर और खोया। इन सबको अच्छे से हिला लूंगी मैं। जैसे ही ये थोड़ा ठंडा होता है, रूम टेम्परेचर पे आता है, मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए, अभी आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के बाद अब ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। इसे हल्का सा घुमाएंगे और अब हम इसे ब्लेंड कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसको 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लिया है, ब्लेंड कर दिया है। आप चाहे तो इसको मिक्सी में डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। मेरे पास ब्लेंडर था तो मैंने इसे ब्लेंडर से किया है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। दाने कुछ बारीक बारीक इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और कैसे इसको गार्निश किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने कलमड़े को डिश आउट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ गार्निश कैसे करते हैं। पहले हम एक खोपरा डालेंगे। खोपरे का स्वाद जो इसमें बहुत अच्छा आता है। ये जो भी गार्निशिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं वो एक फ्लेवर देता है इस कलमड़े को। ये देखिए, ये अनार के दाने, ये देखिए इस तरह से। अब ये किशमिश, ये भी बहुत मज़ेदार फ्लेवर देती है इसको। अनार के दाने भी बहुत ही डिलीशियस लगते हैं इसके साथ।
इसे प्लीज ट्राई करके जरूर देखिएगा, एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। अब ये बादाम, आप इसके साथ चारोली भी डालेंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर देगा। ये मैंने रोज पेटल लिया है, इससे भी मैं गार्निश कर रही हूँ। ये डेजर्ट खाने में भी बहुत ही यम्मी है और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, अब हमने इसे पूरा गार्निश कर लिया है। अब हम इसको 2 घंटे फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये ठंडा खाना ही बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसे प्लीज ठंडा ही खाइए। तो आपने देखा फ्रेंड्स, कितनी इजीली ये डिश बन जाती है, कुछ खट्टी कुछ मीठी और बहुत ही स्वादिष्ट। आपने देखा ये देखने में भी कितनी खूबसूरत है, लेकिन हाँ यकीन मानिए मेरा, ये खाने में भी बहुत ही अच्छी है। एक बार बनाइए और अपनी कमेंट्स मुझे दीजिए कि आपको ये कैसी लगी खाने में, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ही मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।